भोला ले दूध पी ले। मैं दूध बूध नहीं पीऊंगा। काकी मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे काकी के पास ले चल। अच्छा पहले दूध पी ले फिर चाची के पास ले जाऊंगी। ठीक है लेकिन तू मुझे छोड़कर मत जाना। अच्छा बाबा नहीं जाऊंगी, दूध पी ले। ये तो भीष्म है। हाय अभिमन्यु। हाय प्रिया। व्हाट अ सरप्राइज, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम पुलिस अफसर हो। जब तुमसे मिला तब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी एज ए पुलिस ऑफिसर। आज मैं अपॉइंट हुआ हूँ। That means आज तुम्हारी ड्यूटी का पहला दिन है। Yeah. Congratulations. Thank you. Oh, by the way, meet my uncle, my brother, Hello. And my papa. और पापा, ये वही अभिमन्यु है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। Hello. तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई बेटे। प्रिया तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। एक मिनट के लिए मैं भी डर गया कि हमारे घर में पुलिस क्यों आई। पुलिस से तो चोर बदमाश स्मगलर लोग डरते हैं अंकल, आप जैसे शरीफ और इज्जतदार इंसान को किस बात का डर। यही तो मुश्किल है, आजकल पुलिस की इमेज इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि कानून किस वर्दी को गुंडागर्दी का लाइसेंस समझते हैं। आपके डिपार्टमेंट में बुरे लोग ज्यादा अच्छे लोग कम हैं। इसीलिए तो हम जैसे शरीफ लोग गुंडों से उतना नहीं डरते जितना पुलिस वालों से डरते। मुझ जैसे पुलिस ऑफिसर से आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सत्य प्रकाश वर्मा जैसे सिद्धांतवादी पत्रकार का बेटा हूं और भारती वर्मा का भाई हूं। तुम्हारे परिवार के बारे में सुनकर बड़ी खुशी हुई। प्रिया, अभिमन्यु पहली बार अपने घर आया है, जाओ से अपना घर दिखाओ, कुछ खातिरदारी करो। ओके पापा, आओ। राणा साहब, भीष्मा जिंदा है। क्या? भीष्मा जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। न्यू इरा हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 13 में आप जाके देख सकते हैं। ये भी तो हो सकता है कि भीष्मा का हमशक्ल हो। उसकी असलियत जानने में वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। वो जो भी हो उसे अस्पताल से सीधा शमशान पहुंचा दो। भोला आप कुछ याद करने की कोशिश करो, आपके साथ एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी जिसमें आपकी जान भी जा सकती थी। आप अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी बस या कार में जा रहे थे और आपका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया हो। क्या तुम्हारे किसी दुश्मन ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी? कौन हो तुम लोग, अंदर कैसे घुस आए हो? अरे अरे प्रभात। नर्स जल्दी करो, इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। यस सर। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। कुछ गुंडे से जान से मारना चाहते थे मगर पुलिस सायरन की आवाज सुनकर भाग गए। कौन है ये? ये बेचारा तो धर्मपुर गांव से यहाँ इलाज के लिए लाया गया है। गांव से इलाज के लिए यहाँ लाया गया? यहाँ पे उसका दुश्मन कौन आ सकता है? एनीवे डॉक्टर, जैसे ही मरीज को होश आ जाए आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए और इसकी हिफाजत के लिए मैं दोनों कॉन्स्टेबल्स को यहाँ ड्यूटी पे रखकर जाता हूँ। ओके थैंक यू इंस्पेक्टर। या डॉक्टर साहब, भोला की तबीयत कैसी है? भोला ठीक है, आप जाकर मिल सकते हैं। अच्छा।
क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना भोला? मैं भोला नहीं हूं, भीष्मा, भीष्मा, रुकना नहीं, जाने दे। उड़ा दे साले को। बोल, इस ट्रक में माल किसका है? बोल वरना बता दो, बता दो। क्या बात है इंस्पेक्टर, मैंने तो कई बार मैसेज भेजा मुझसे आकर मिलो, तुम आए नहीं। आज ये अचानक कैसे आना हुआ? जिंदगी में दो चीजें अचानक आती हैं राणा, एक मौत और दूसरा बुरा वक्त। नंदू ठाकुर इस वक्त मेरी हिरासत में है, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। इंस्पेक्टर भीष्मा मुझे गिरफ्तार करने आया हुआ है, आप खुद ही बात कर लीजिए। लो आज ही साहब से बात कर लो। सर, इंस्पेक्टर भीष्मा, नंदू ठाकुर ने यह कहा है कि तुमने उसे जान से मार डालने की धमकी देकर राणा के खिलाफ जबरदस्ती बयान लिया है। लेकिन सर, ये लोग राणा के लिए ही काम करते हैं। ये लोग किसके लिए काम करते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुम कानूनन राणा को गिरफ्तार नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड? यस सर। आज से पहले भी एक सरफिरे इंस्पेक्टर ने मेरे घर में घुसकर मुझे गिरफ्तार करने की बात की थी, सिर्फ बात की थी। दूसरे दिन उसकी लाश अस्पताल के मुर्दा घर में पाई गई थी। शायद तुमने महाभारत नहीं पढ़ी है राणा, भीष्मा की मौत उसकी अपनी मुट्ठी में होती है, उसकी मर्जी के बिना यमराज भी उसे मान नहीं सकता। और एक बात सुन लो, मेरा निशाना जुर्म की शाखाओं पर नहीं होता, मैं जहां भी जाता हूं जुर्म की जड़ों को काट कर फेंक देता हूं। इस वर्दी का सही इस्तेमाल करना सीखो, यह जो तुम्हारा कानून है ना, हम जैसे दौलत वालों के बिस्तर पर सोता है, उसके रखवाली करने के बजाय दलाली करना सीखो।
जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। कानून के बारे में तेरी राय जानकर यह अंदाजा भी लग गया कि तेरी बीवी या तेरी बेटी भ्रष्ट नेताओं या मिनिस्टर के बिस्तर पर जरूर सोती होगी। इंस्पेक्टर, जब तक मैं इस इलाके का इंचार्ज हूं, कानून से खेलने की कोशिश मत करना, वरना तेरी जिंदगी को मैं नरक बना दूंगा। डैड, डैड ये देखिए, उस 2% की भारती वर्मा ने आपके बारे में क्या क्या लिखा, देखिए। अच्छा लिखती है। भीष्मा के करियर में 4 चांद लगाकर उसने उसे कानून का एक सच्चा सिपाही बना दिया, और मुझे बादशाह, अंडरवर्ल्ड का बादशाह। राणा ड्रग्स का कारोबार करता है, राणा के शहर में गैर कानूनी धंधे हैं, राणा स्मगलिंग का बेताज बादशाह है। अच्छा लिखती है। हालांकि उसे इस बात का पता है कि उसके बाप को स्वर्ग का टिकट हमने दिया है, फिर भी हमारे खिलाफ तेजाब उगलने से बाज नहीं आ रही है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अगर आप कहें तो मैं उसे भी उसके बाप के पास पहुंचा दूं। नहीं, उसे सिर्फ इस बात का एहसास दिला दो कि औरत की इज्जत शीशे की तरह नाजुक होती है। शीशा एक बार टूट गया फिर जुड़ नहीं सकता। मेरा बाप मौत का बहुत बड़ा सौदागर है, वो ड्रग्स का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, यही लिखा था ना तूने? अब एक खबर मैं बताता हूं, कल सुबह की अखबार में तू अपनी नंगी तस्वीर छपवा देना। आइंदा अगर तूने मेरे बाप के खिलाफ कुछ लिखने की कोशिश की तो मैं तेरे जिस्म पर ऐसे लेख लिखूंगा कि तू जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। हेलो इंस्पेक्टर, समाधान की पत्रकार भारती पर अत्याचार हुआ है। I'm coming. आप में से भारती कौन है? मैं हूँ। पुलिस हमेशा देर से ही आती है, अब किस लिए आए हो इंस्पेक्टर? बयान लेकर अपनी ड्यूटी पूरी करने या मेरी बेइज्जती का तमाशा देखने? नागेश को जो करना था वो तो करके चला गया, मगर ये मत समझना कि उसने सिर्फ मेरी इज्जत उतारी है, बल्कि उसने सरेआम तुम्हारे कानून को भी नंगा कर दिया। आज उसने मेरे कपड़े उतारे, कल मेरी इज्जत लूट सकता है, परसों मुझे जान से भी मार सकता है, मगर इसके लिए मैं तुम्हारे कानून से मदद मांगने नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम जैसे कानून के रखवालों ने चंद रुपयों के लिए कानून को तबाह बना रखा है। धंधा करवाते हो तुम कानून से, चले जाओ यहां से। तुम और तुम्हारे पुलिस वाले नागेश राणा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपको यकीन है कुछ नहीं हो सकता है तो इन गुंडों के खिलाफ लिखती क्यों है? चुपचाप बैठ के तमाशा देखिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती, इस देश की बेटी होने के नाते मेरा जो फर्ज है उसे मैं जिंदगी के आखिरी लम्हों तक निभाऊंगी। मैं उनके खिलाफ लिखती रहूंगी, चाहे इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। तो मैं भी उन पुलिस वालों में से नहीं हूं जो कानून की दलाली खाते हैं। यह वर्दी भीष्मा की शान है, किसी राणा के घर की रखेल नहीं। इंस्पेक्टर भीष्मा
जिंदगी से ज्यादा अपने फर्ज से मोहब्बत करता है और जहां भी जाता है अपराध का नामो निशान मिटा देता है। Yes, you are under arrest. Hey, इंस्पेक्टर, मुझे गिरफ्तार करेगा तू? तू जानता है मैं कौन हूं? तू चाहे किसी भी नस्ल का हो, आज के बाद भौंकना भूल जाएगा। इंस्पेक्टर, कानून का ये डंडा जब ऊपर से डालता हूं ना, तो बड़े बड़े रंगबाज की नीचे से हवा निकल जाती है। इंस्पेक्टर भीष्मा पुलिस लॉकअप में टॉर्चर नहीं करता। ये कमजोर लड़की पर मर्दानगी दिखाने आया था साला। चल कपड़े उतार, कपड़े उतार वरना भून के रख दूंगा। ये भी उतार के रख देता, यहां मां बहन मौजूद हैं। चल माफी मांग। मांग मुझे माफ कर दो। सुनिए, मैं बयान देने के लिए तैयार हूं।